अपने बिल्स में क्या करते हैं ना, अपने जावा में इनपुट आउटपुट करने के लिए फाइल न्यू प्रोजेक्ट जावा सिंपल आईओ, इस नाम से प्रोजेक्ट बनाते हैं सिंपल आईओ इन जावा, मेन क्लास रहने देते हैं फिनिश। ये क्लास बन गया है, इसका ये कमेंट सब हटा देते हैं, इरिटेट करते हैं। जावा में इनपुट आउटपुट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्कैनर क्लास। स्कैनर java.util पैकेज में है तो उसको पहले इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट java.util.Scanner। ठीक, ये पैकेज के नीचे रहेगा इसलिए इसको यहां लगा दिया। स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, ये स्कैनर के बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स हैं, फाइल स्ट्रीम, फाइल सोर्स, इनपुट स्ट्रीम, पाथ, रीडेबल, बहुत सारे हम लोग यूज कर सकते हैं अलग अलग। फॉर द मोमेंट हम यूज करेंगे ये वाला। और किसको स्कैन करेंगे, स्कैन करेंगे सिस्टम डॉट आई एन को, वो होता है एप्लीकेशन का डिफॉल्ट इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, रीअसाइन नहीं किया जाए तो ये कीबोर्ड होता है। अब स्कैनर में दो टाइप के मेथड्स का ग्रुप है, देखो हैज नेक्स्ट, ये बुलियन सर्च करता है, बुलियन रिटर्न करता है, हैज नेक्स्ट स्ट्रिंग रीड करेगा, हैज नेक्स्ट बिग डेसिमल, ये सब फंक्शन ये बताते हैं कि जिस टाइप का हमको इनपुट चाहिए उस टाइप का और इनपुट अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, हैज नेक्स्ट बताएगा कि जो भी इनपुट सोर्स है उसमें और इंटीजर्स अवेलेबल है कि नहीं, ये चीज बताएगा। सेकेंड ग्रुप होता है नेक्स्ट का, ये एक्चुअली रीड करता है, जैसे नेक्स्ट आई एन टी है तो एक इंटीजर रीड करेगा, फ्लोट एक फ्लोट, डबल डबल एंड सो ऑन। ठीक, अब हमको दो इंटीजर रीड करना है और जोड़ के आंसर देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर ए एंड बी। ठीक है, दो वेरिएबल डिफाइन करना है, ए कॉमा बी, ए इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट आई एन टी, बी इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट आई एन टी। ठीक है, आई एन टी सम इक्वल टू ए प्लस बी और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सब डायरेक्टली रन फाइल। टू सिक्स ए का वैल्यू टू, बी का सिक्स, आउटपुट आ गया एट, नंबर एड हो गया। अच्छा, स्ट्रिंग रीड करना है तो यहां पे लिख देंगे एंटर योर नेम, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, नेम इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट, ये एक स्ट्रिंग रीड करता है। ठीक है,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे नेम को प्रिंट कर दिया। अब क्या होगा, गावस्कर रीड नहीं किया, सिर्फ रोहित रीड करके चला गया। नेक्स्ट जो है वो ब्रेक करता है ऑन द स्पेस, चाहे किसी भी तरह का स्पेस रहे, तो नेक्स्ट जो है वो उतना ही रीड करेगा, उसके आगे का रीड नहीं करेगा। अगर पूरा लाइन रीड करना है तो हम यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन। तो ये एक पूरा पूरा लाइन रीड करेगा। सचिन तेंदुलकर ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट एक स्पेस पे ब्रेक होता है, नेक्स्ट आईएनटी भी स्पेस पे ब्रेक होता है, सिर्फ लाइन है जो एंटर पे ब्रेक होता है। अच्छा, हैज का यूज करना है तो कैसे करेंगे, एंटर सम इंटीजर्स ठीक। वेल एस डॉट हैज नेक्स्ट इंट आईएनटी एन इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट आईएनटी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन। जब तक इंटीजर्स इनपुट में अवेलेबल है ये रीड करते रहेगा ठीक है। जब तक हम लोग देते रहेंगे तब तक ये रीड करते रहेगा और अल्टीमेटली ब्रेक करने के लिए कंट्रोल जेड प्रिंट कर देना है। कंट्रोल जेड होता है एंड ऑफ फाइल ठीक है। तो कंट्रोल जेड से एंड ऑफ इनपुट होता है, तो उसके बाद से जो है ये कैसे प्रिंट करेंगे, कैरेट कैरेट कहां पे आता है, शिफ्ट सिक्स और फिर जेड। नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट इंट या नेक्स्ट रीड करने के समय एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आता है, देखते हैं। एंटर योर एज एंड देन योर नेम ठीक है। int age is equal to s dot next int string name is equal to s dot next line right। system dot out dot println name system dot out dot println age। अब इसको रन करा, पहले एज रीड किया है बाद में नेम रीड किया। एज 55, नेम रीड करने का ऑप्शन ही नहीं है, ऐसे ही पार हो गया। जब हमने नेम एंटर किया एज एंटर किया तो एज तो स्पेस पे ब्रेक हुआ कुछ इस टाइप से 55 देन स्पेस और उसके बाद एंटर प्रेस किया।
अब इसने क्या किया, इसने रीड किया 55 और स्पेस, कितना दो कैरेक्टर रीड कर लिया, खत्म हो गया। जो एंटर है वो तो रह गया, और नेक्स्ट लाइन जो है एंटर पे ब्रेक होता है, तो नेक्स्ट लाइन ने एंटर रीड किया और एंटर रीड किया और बस उतने पे जो है वो ब्रेक करके, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस करना है तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक अननेसेसरी ऐसे ही एक नेक्स्ट लाइन लिख के छोड़ देना है। ये क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा एंटर पड़ा हुआ था उसको गायब कर देगा, कंज्यूम कर देगा।